84 की टिकट। कौन रहता है? रहता कौन था? बहुत पुराने संस्थान में रहते हैं, ऋषि मुनि कंपनी आ रही थी ना। ओ नदी भी है, नदी वही है ना, गंगा है। तो बेसिकली यहाँ पे आके 150 रुपए की टिकट लगेगी आपकी, और लोकलो हमारी तरह तो कम में आ जाजाएगा। और फिलहाल यहाँ पे ये है कि राजा जी टाइगर रिजर्व पार्क देहरादून का एरिया है ये, इसे देखना। हेलो, आप किधर जा रहे हो? उसके जूते उतर रहे हैं भाई, तूने क्या पहना है? उसको नहीं चला जाएगा उससे। ये बेसिकली टाइगर राजा जी टाइगर रिजर्व है, जो कि हिमालय पर्वत की शिवालिक रेंज के स्थित एक राजा जी टाइगर रिजर्व 1075.17 वर्ग किलोमीटर विस्तृत है। तथा यह हाथियों व बाघ का प्रसिद्ध प्रकृतावास है। और ये अभी हम आ रहे थे गाड़ी से, तभी ये बात करते हैं कि शेर जो है वो घूमते रहते हैं। रात में आना, इस रास्ते से आना बहुत डेंजरस है। कभी कभी दिन में भी दिख जाते हैं, बट रात में ज़्यादा चांसेस होते दिखने के। शेर, हाथी, जंगली सब दिखता है, और एक भैंसा भी दिखता है कभी कभी। यहाँ पे देखो, ये रहा भैंस। हेलो, वहाँ पे खड़े हो जाओ, जाओ जाओ खड़े हो जाओ, जाओ। सुनती नहीं है, हमारी नहीं सुनती। आओ इधर आओ, आओ यहाँ पे खड़े हो गए, जाओ पापा के साथ खड़े हो गए। आशी आओ इधर आओ, मुझे स्टेबल नहीं नहीं होगा, आ जाओ चलो दिखाओ तुम फोन तुम्हारी की। तो यहाँ पे ये 84 कुटिया है ना, ऐसी छोटी छोटी 84 कुटिया, 84 कुटिया। अंदर जाओ, जा अंदर जाओ, देखना कौन है अंदर। चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे नीचे सीढ़ियां भी है यहाँ पे यार, सीढ़ियां भी है तो नीचे ना जाओ। सब क्या जबरदस्त है, अबे सीढ़ियां बनी है प्रॉपर। भाई साहब आपको भी लूं? ये टूटे ना बस भाई साहब बहुत। अरे रुक जा, आ जा एक मिनट, इसको पकड़ ले, प्रॉपर बना हुआ देखो भाई साहब, प्रॉपर घर बना हुआ। मतलब ये देखो अंदर टॉयलेट बना हुआ है। ओए ओए ओए, मैं आपको लाइट दिखा के दिखाता हूँ। अरे फोन लिया मुझे घर टूटेगा तो नहीं है। अरे पूरे वो कमरा बना हुआ है, प्रॉपर टॉयलेट दिखा रहा है देखना, ये टॉयलेट वगैरह यहाँ पे देखो प्रॉपर। और ये देखो जबरदस्त है यार यहाँ से। हाँ बेटा एक मिनट आ रहा हूँ मैं। और ये देखो यहाँ से बाहर निकलोगे, ये देखो घर है। और ऐसे कितने सारे घर बने हुए, ये देखो एक ये बना हुआ है, और ये भी इसका टॉयलेट है यहाँ पे। भाई साहब मुझे तो लगा ऐसे ही है यार। और ये देखो ये चार नंबर है, ये नंबर चार है ऊपर, इसमें लिखा हुआ है चार नंबर। हाँ ऊपर चलते हैं। अरे बड़े मतलब स्पेस को बड़ा सही यूज किया हुआ है। फोन मेरे पास है, हाँ कनेक्ट है। देखो ये वाली जाएगी, देखिए इससे कनेक्ट है, और ये नीचे वाला जो है, मतलब दो दो कुटिया है कनेक्ट आपस में। जबरदस्त है यार। तो रहता कौन था यहाँ पे? कोई नहीं था, वहाँ खड़े हो। हैं? वो भी कैसे कनेक्टेड है देखो, मतलब छोटे सी जगह को बहुत प्रॉपर तरीके से यूज किया हुआ है, कि इसको देखो आराम से बैठा जाएगा यहाँ पे, आप सो सकते हो। यहाँ से विंडो है और यहाँ से डोर है। जबरदस्त बना रखा है, मतलब छोटे से एरिया को कैसे यूज कर रहा है वो कर रखा है। अब पता नहीं किसने बनाया है, क्या है वो तो आइडिया नहीं है, अभी पूछ के। चलो चलो ऊपर, चलो ऊपर, चलो चलो ऊपर बेटा। इसी तरीके से सारी बनी हुई है देखो, बहुत सारी हैं, दो दो कनेक्टेड है आपस में। 84 कुटिया, वेलकम टू राजा जी टाइगर रिजर्व, राजा जी टाइगर रिजर्व। ओके देखो ये सारे के सारे केव्स हैं, सारी कुटिया इतनी सारी। मेडिटेशन केव लिखा है, तो मेरे ख्याल से जो भी मतलब मेडिटेशन के लिए होता होगा यूज। जब फोटो खींचिए ना, तो ये हमारा लॉज है। और तुमने क्या खींचा, तुमने क्या खींचा, मुझे छोड़ के सारी जमीन आगे की। नवग्रह वाटिका, इसमें मैं आप पॉज करके देख लेना क्या है, देखो पढ़ लेना पूरी इन्फॉर्मेशन जो भी है। और यहाँ पे इनका पोस्ट ऑफिस, मुझे लग रहा है प्रॉपर वो है, वो थी सिटी थी है ना। देखो कंस्ट्रक्टेड इन अर्ली 1960s, दिस बिल्ड वॉज यूज फॉर ऑफिशियल मेल्स।
महर्षि जी एंड बाय गेस्ट स्टेइंग फॉर रेजिडेंशियल कोर्सेज। अरे यार किसी महाराज वो उसका था, ये मेरे को लग रहा है किसी ऋषि वगैरह का था, और यहाँ पे इन्होंने पूरा पूरा मतलब एरिया वो बना रखा था। अब जो भी उनके गेस्ट आते थे या जो भी मतलब योगा वोगा के लिए आते होंगे मेडिटेशन के लिए, तो उनको मेल्स के थ्रू, क्योंकि उस टाइम पे तो फ़ोन वगैरह होते नहीं थे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ देख लो। बाकी आप पॉज करके पढ़ लेना। तो ये पोस्ट ऑफिस, आप पोस्ट ऑफिस के अंदर भी देखते हैं क्या क्या हिसाब किताब है। खैर पोस्ट ऑफिस के अंदर तो ऐसा कुछ होगा नहीं, सिर्फ रूम्स ही होंगे, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में ऐसा कुछ होता नहीं है। हेरा तो देखो पुरानी है काफ़ी, और ये देखो सारे कंस्ट्रक्शन जो भी है, भाई साहब गजब सिस्टम रखा है, 1960s का है। अब अंदर भी है भाई पूरा, देखो वॉशरूम वगैरह भी है यहाँ पे, अंदर ही अंदर है। कितने कितने वो है यहाँ से माता है। हाँ बेटा चलो चलो बाहर चलो, बाबा नहीं है बेटा यहाँ पे, पोस्ट ऑफिस है ये, यहाँ पे पोस्ट होती है, जैसे चिट्ठी लिखते हैं ना चिट्ठी, वो यहीं से आती है। लेटर्स जो लिखते हैं ना, हम लेटर्स लिखते थे ना पहले, अब तो फोन आ गए हैं, अब आप फोन पे दादी से बात करते हो है ना, कभी नानी से बात करते हो कभी दादी से, तो पहले लेटर्स लिखते थे। अरे अभी थोड़ी लिखते हैं, अब तो आपको मम्मी आ गई है, चलो आ जाओ। लेफ्ट में क्या कूड़ा फेंकना मना है? अच्छा मुझे लगा कुछ कैंटीन एग्जीबिशन टॉयलेट्स। ये क्या चीज़ है? क्या ये? अच्छा फोटोज वगैरह गैलरी, हाँ अभी चलते हैं पहले एक बार ये देख लेते हैं। क्या सुंदर पेंटिंग है भाई साहब, गढ़वाली कल्चर अच्छा लग रहा है, गढ़वाली नथ जैसे होती थी पुरानी, और वो पहना हुआ क्या बोलते हैं इसको, गले में जो है ये गुलबंद नहीं उसी टाइप का तो है, हमारे में ऐसा होता है ना। अरे भाई हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, तो तुम्हारी साइड में होता है वैसा, कुमाऊं जैसे कुमाऊं साइड में वैसा होता है, ये हमारे में इस तरह की होता है। दादी की जो पुरानी वाली है ना वो ऐसी टाइप की थी, देख लो आंटी जी को देख लो क्या लग रही है। और अंदर क्या है यहाँ पे कोई, अरे देखो भाई साहब कितने बेवकूफ लोग हैं, देखो कैसे लिखा हुआ है, गद्दू का पोता, पांडेज, कत्ल, आरती, इतने बेवकूफ भाई सब, मतलब अपनी प्रॉपर्टी समझ लेते लोग, अपनी प्रॉपर्टी देखो कहाँ हर जगह लिखा हुआ है। कमोन कहाँ, इधर आओ बाहर, कमोन की बच्ची गैलरी फाइनली, जिस जो मैंने सुना है काफी फेमस है, यहाँ पे फोटोज वगैरह लगी हुई पुरानी आर्ट वगैरह। मैकलिन्स, ये है माय थर्ड वीक विद द महर्षि, डू वी नीड द रिच, हाउ आई क्योर्ड माय अनकॉमन कोड। अच्छा ये पुरानी है, हुआ है ये जी, ये है महाराज जी, ये देख लो गोरे लोग आते ज़्यादा। होली महर्षि महेश योगी नाम है महर्षि, ये है ना महर्षि। बाकी ये पढ़ लेना भाई, पॉज करके देख लेना आप लोग जो भी है इनके बारे में डिटेल्स। जनरेशन मैन इज बॉर्न इन यू, हाँ 2008 में, अच्छा 2008 में ही हुई है भी डेथ, ओके 2008 के बाद भी आए तो कवर किया इसको फॉरेस्ट में। हिज होलीनेस महर्षि महेश योगेश, सबसे बड़े द आंसर टू ऑल योर प्रॉब्लम्स, डेवलपमेंट ऑफ मेंटल पोटेंशियल। भाई देखो चार्ट वगैरह सब देख के आप देख लेना, मेडिटेशन जो है हाउ टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, ये देख लो इसको पॉज करके देखो, ये फोटो लाए हैं पॉज करके पढ़ लेना इसको भी। यहाँ के लोकल जानवर जो यहाँ के फोटो खींचे ना इनकी, वो सब ये सब यहीं रहते देख लो। हाथी तो बाहर भी दिख रहे हैं,
काशी गिलहरी देखो देखो, बाकी यहाँ से कुटिया, ये कैंटीन है यहाँ पे उसके बाद, और यहाँ से देखो कुटिया ही कुटिया है सारी। भाई साहब कितना मजा आता होगा यार रहने में, देखो कितना सुकून है, जंगल है, शांति है। देखो ये घर भी बना रखा है, पुराना सही कुछ है, पता नहीं क्या है इसमें, देखते हैं अभी जाके। और ये देखो ये कुटिया ही कुटिया है, देखो जबरदस्त भाई साहब यार। और लेफ्ट में जाकर यहाँ पे है शिवलिंग, दो दो शिवलिंग है, एक शिवलिंग बाहर एक अंदर, और ये पुराने लग रहे हैं काफी पुराने। और ये मेरे को लग रहा मंदिर है एक बार ना, अंदर देखते हैं जरा क्या है। यही है बस, अंदर कुछ नहीं है, मतलब ये शिवलिंग है यहाँ पर, यहाँ पास नहीं जाऊँगा क्योंकि जूते पहने। और मुझे लग रहा है ये मंदिर नहीं है, मंदिर नहीं है, कुछ और है, मंदिर और ऐसा नहीं है भाई, ये तो कमरा बनवाई कुछ है। और यहाँ पे जाने के लिए नीचे देखो सीढ़ियाँ हैं, बढ़िया दरवाजे पुराने हैं अभी तक टिके हुए। सो ये है, ये डॉगी है पुराना, क्वाइट ओल्ड डॉगी है। ये देखो ये भाई साहब, ये घर है जो टूट गया शायद, जंगली मशरूम होता है ना, मशरूम जंगली मशरूम, हाँ हाँ वो लगी हुई है सारी, देख रहे हो ये सब लगा हुआ है यहाँ पे। ये है क्या चीज़? ऐसी है किचन है भाई, कंस्ट्रक्टेड इन द अर्ली 1960s, देख लेना भाई किचन था ये, कितना बड़ा किचन है यहाँ पे। वेजिटेरियन फूड ओनली, देखो ये क्या जबरदस्त वो है, नीचे सेक्शंस रखे हुए यहाँ पे किचन बांटने के लिए, और अंदर खाना तैयार होता होगा। ये पेड़, पेड़ गिर गया होगा यहाँ पे तो यहीं टिका हुआ, यहीं, अच्छा यहीं का था मेरे को लग रहा है, यहीं से गिर गया होगा ना ऐसे। ये किचन, अरे ये तो बढ़िया प्रॉपर, देखो भट्टी भट्टी टाइप का बना रखा है, एग्जॉस्ट ऊपर, ओए जबरदस्त है यार, यहाँ पे एग्जॉस्ट बना रखा है प्रॉपर तरीके से। और देखो यहाँ पे भी भट्टियाँ है, अगर यहाँ बात करोगे यहाँ पे भी भट्टियाँ बना रखी है सारा। इधर से देखो तो ये देखो भाई, ये छोटे छोटे रूम्स है। काशी बाहर ही चलो बेटा, आप बाहर चलो, यहाँ पे यहाँ पे देखो सारा बढ़िया भाई, जबरदस्त है यहाँ भाई। इनकी ये प्रेस थी, प्रिंटिंग प्रेस लिखा हुआ देखो यहाँ पे, तो इसमें ये लोग कंस्ट्रक्टिव वाली वही 1960s का, बाकी आप पॉज करके पढ़ लेना अगर आपको पढ़ना हो। और देखो डिड गेरिडो वाला, डिड गेरिडो वाला पिंक जो भी था, पता नहीं क्या था, जो भी एक्स वाई जेड। अगर बात करूँ अंदर जाके पत्तों में लिखते थे यहाँ पे भाई साहब, अब तो कुछ बचा ही नहीं यहाँ पे, अवशेष वगैरह भी नहीं बचे कुछ, ऊपर से छत ही गिर गई भाई लोगों की। अरे ये तब का ही है क्या? ये लकड़ी है और इसके ऊपर ये टीन का फ्रेम है, टीन या लोहा है जो भी, लोहे का फ्रेम है बस ये। आ जाओ इधर, आ जाओ उधर, वहाँ मत जाओ वहाँ पे, देखो जबरदस्त है ये। निकलोगे तो ये देखो राइट हैंड साइड पे भाई से भी, नीचे पता नहीं क्या है, जंगल सही है, और आगे कुटिया है, जो ये जो आगे कुटिया जो हमने ऊपर से देखा था वो यहाँ से नीचे है, कुटियाँ हैं सारी उधर, और यहाँ पे जंगल जंगल सा है पूरा। और यहाँ लेफ्ट पता नहीं क्या आवाज़ आ रही है, किस चीज़ की आवाज़ है ये पता नहीं, देखते अंदर जाके। सेम चीज, इनका वेद भवन है, पॉज करके पढ़ लेना, अंदर चलते हैं भाई साहब। यहाँ पे बढ़िया है यार, अभी भी चल रहा है भाई, ठीक है। टेक अ ब्रेथ इन एंड एक्सहेल, रिगेनिंग फोकस। भाई देखो ये जो इनका अकोमोडेशन था, यहाँ पे लोग रहते थे, तो इसको पॉज करके आप देख लेना ठीक है ना। यहाँ पे मतलब एक चीज़ देखो, अभी इतना मज़ा आ रहा है, जब ये लाइव होगा मतलब जब यहाँ पे लोग रहते होंगे तो कितना मज़ा आता होगा, मतलब बहुत ही अमेजिंग होगा यार। और ये देखो ये सारे मकान है जहाँ पे लोग रहते थे, सिंगल सिंगल रूम, और वो कुटिया जो है वो अलग है, और वैसे भी यहाँ पर जो है रेजिडेंशियल, जो यहाँ के लोग ऑफकोर्स जो
लोग होंगे यहाँ पे, कर्मचारी होंगे, वो लोग भी यहाँ पे रहते होंगे। तो देखो कितना ब्यूटीफुल है, एक बार अंदर चल के देख लेते किस टाइप का फ्लैट है ये। देखो यहाँ से सीढ़ियाँ भी है ऊपर जाने के लिए, तो सीढ़ियों में जाएंगे, एक दिखा देता हूँ, उसी से आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके का था पूरा। तो भाई ये देखो अंदर आप आएंगे तो ये एक रूम था। देखो भाई साहब, भाई साहब क्या जबरदस्त पेंटिंग है यार, बिल्कुल ऐसा लग रहा है आंखें ऐसा लग रहा है तो देख रही है सही में। काव है वो, काव मतलब भगवान शिव का रूप भी दिया हुआ है कि तीन आंखें और गाय के अंदर, या भैंस दे रही है क्योंकि सिंह टेढ़े हैं भैंस। भाई साहब अंदर आओ, योगिता ये हमारे देश के आर्टिस्ट है, रिया हितु रशु सुमित ये हमारे देश के आर्टिस्ट है, इनके बस की और कुछ नहीं है। लिखा हुआ भी है राम, कहीं पे राम लिखा है, राम राम ही लिखा हुआ। देखो पता नहीं क्या यहाँ पे मतलब प्रॉपर बनाया हुआ है पूरा, देखो ना स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, लेकिन अब क्योंकि यूज नहीं होता है और बहुत सारी घास फूस उग गई है, अदरवाइज देखिए यहाँ जाने का रास्ता बनाया हुआ पूरा ना, देख प्रॉपर तरीके से भाई साहब। और जब ये रहा होगा यार वो तब बहुत ही सुंदर रहा होगा, अमेजिंग। ये देख लो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, यहाँ से क्यारी बनाई हुई है, वहाँ से वो बीच में जाने का रास्ता बनाया हुआ है। पीछे और पीछे देखो फ्लावर्स आ गए। तो भाई ये है मेन, आप ये पढ़ लेना पॉज करके, महर्षि महेश योगी इनका नाम था, महर्षि जी का। आ जाओ दरा, ये रेजिडेंस था, अच्छा महर्षि का रेजिडेंस ये था, ये महर्षि जी का रेजिडेंस है। ओके चलो देखते हैं भाई महर्षि जी कैसे रहते थे। महेश योगी हाउस, तो ये था योगी जी का हाउस यार, बड़ा प्यारा है। देखो बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल कुछ। और यार देखो फ्लोर देखो आज भी टिका हुआ है जबरदस्त, यहाँ पे बिल्कुल प्लेन है, कुछ भी नहीं है ऊपर फ्लोरिंग, और फ्लोरिंग कह रहा हूँ सिरूफ सीलिंग और पुरानी टाइप की, और ये पता नहीं क्या था, जो भी होगा टॉयलेट आई गेस, शायद वॉशरूम था ये, मतलब नहाने के लिए था। और यहाँ क्या है, ये वॉशरूम है प्रॉपर, ये था मेरे को लग रहा है महर्षि का ये वॉश। अरे यहाँ तो कुछ नहीं, नीचे रास्ता है, अच्छा अंदर जाने का रास्ता भी है। एक मिनट यहाँ से देख लो संजीना भाई, ऊपर जाने का रास्ता भी है छत पे भी, और नीचे जाने का रास्ता भी है, मतलब देखते नीचे क्या है। यहाँ से जाने का है, ये नीचे जा रहे टॉर्च बताओ, ये भाई नीचे जाने लगी है। ये क्या भाई काल कोठरी सी, ये नीचे जाने का, अच्छा ये नीचे का कमरा है, इसमें क्या लाइटें लगी हुई हैं, तो बहुत सारी बाद में लगाई हैं, तो मुझे लग रहा है कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। और ये वेंटिलेशन के लिए देखा है भाई, पुराने जमाने का बड़ी ठीक है, अच्छा फिर यहाँ से ऊपर जाना, अच्छा कनेक्टेड है इधर से उधर, और देखो कितना सही बना रखा वेंटिलेशन के लिए। और ये फिर ऊपर आ जाएंगे काशी, यहाँ से ऊपर आ गए, और यहाँ पे मुझे लग रहा है झरना वरना जो भी था पता नहीं क्या। हाँ बेटा निकले भी है, और ये देखो ऊपर है आशीष नीचे पीछे देखो भाई, यहाँ पे भी क्या बढ़िया बना रखा है, मतलब सिंपल एंड सोबर, और कितना बढ़िया आर्किटेक्चर है यहाँ बैठने के लिए, कितना सुंदर है। सामने एक व्यू है गंगा का, वहाँ टच नहीं करो बेटा गंदा है सारा, ये देखो पता मुझे कैसा फील आ रहा है मुझे। और ये वो लग रहा है मेरे को स्विमिंग पूल, फुआरा देखो यहाँ नीचे आने लगी सीढ़ियाँ, यहाँ से भी है मुझे पता, मेरे को पता कैसा लग रहा है, जैसे आनंद लोग गए थे वैसा नहीं बना हुआ, सिमिलर सिमिलर सा लग रहा है। आनंद लोग एक जगह है जहाँ पे हम रुके थे एक बार रिजॉर्ट में, वैसा ही वो भी वैसे ही बना हुआ योग वॉक के लिए, वहाँ पे छोटी छोटी कुटियाँ बनी हुई है। वो 82 से गुलर वाले पुल के पास है, वो क्रॉस करके अक्रॉस द गंगा,
आनंद काशी, आनंद लोक है उसका नाम, आनंद लोक द क्रॉस द गंगा। हाँ हाँ रिजॉर्ट है वही सामने गोवा गंगा है जी। कुटिया से महर्षि जी की और यहाँ से नीचे जाएंगे और ये वहाँ पे ये सारी कुटिया कुटियाँ हैं जो भी है 84 कुटियाँ यहाँ पे, लेकिन 106 भी लिखा हुआ नंबर तो है। लेकिन एक चीज़ है कि दो दो कनेक्टेड है आपस में है ना, जैसे जैसे ये दो हैं ये आपस में कनेक्टेड है। चूहा तो होता है बेटा यहाँ पे देख रहे हो, ये जो एक कुटिया ये है और एक इसके पीछे जो है दो कनेक्टेड आपस में, फिर ये दो कनेक्टेड है ऐसे कनेक्टेड कनेक्टेड बनाई है। हाँ ये हाउस है, छोटे छोटे हाउस हैं ये देखो, और पानी के लिए कितना सही बना रखा है ये, यहाँ से पानी जाएगा यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे सारी कुटिया हैं। अरे ये क्या है सामने, ये अच्छा आश्रम का ही पार्ट है ये भी, हमें यहीं से आना ना यहाँ से। यहाँ पे आके व्यू है यहाँ से कॉर्नर से देखो भाई साहब, नीचे गंगा नदी है। ये वो वाला होटल है ना, क्या नाम है उसका, वो तपोवन है। हाँ, ये पुल है जानकी से, तो ये तो जानकी है, उसके बाद वाला वो सामने जो तपोवन है। ये हमने 84 कुटिया की जो यात्रा है पूरी कर ली है। तो अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। चलो काशी, आशीष, काशी चला जा, काशी आ जा।